इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से सामने आ रही है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली बांजपुर के पास चट्टान टूटने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर लगातार सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान बड़ी मात्रा में चट्टान भर भराकर टूटकर सड़क पर गिर रहे हैं। वो तो गनीमत रही कि सड़क पर कोई वाहन नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब निर्माण कार्य शीतकाल के दौरान भी हो सकते थे, लेकिन यात्रा के दौरान ये सब करना खतरे से परे नहीं है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कोई ठोस इंतजाम नहीं लग रहे हैं। स्थिति यह है कि जयकंडी, लंगासू सहित कई जगहों पर पहाड़ी से सड़क पर पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में यहाँ वाहनों में सफर करने वाले लोगों को चोटिल होने का खतरा बना है। अगर संवेदनशील जगहों पर पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। इस मामले में लंगासू के व्यापारी कैलाश खंडूडी का कहना है कि चार वर्षों से ऑल वेदर रोड कटिंग के दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है। पहाड़ियों की अनियोजित कटिंग से पहाड़ियां कमजोर हो रही हैं, जिससे यहां जमे बोल्डर ढीले होने लगे हैं। ऐसे में हाईवे पर एक साथ कई वाहन चलते समय पहाड़ियों पर जमा मलबा व पत्थर सड़क पर नीचे आ गिरता है। उन्होंने कहा कि मंगलवार रात को इंटर कॉलेज के आसपास उनके मकान के ऊपर भी कई बोल्डर गिरे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वर्ष 2016 में चमोली बांजपुर में गधेरे में बादल फटने से बद्रीनाथ हाईवे तहस नहस हो गया था। यहां हाईवे पर निर्माणाधीन पुलिया भी बह गई थी, साथ ही बांजपुर गांव को भी हाईवे से खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचागत विकास की ओर से यहां मलबे का निस्तारण करने के अलावा चट्टान कटिंग का काम किया गया। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।